Hey guys, what's up? I am back with another new video. आज हम फिर से खेलने वाले कस्टम फाइटर्स. आज है बेंकी किंग्स के साथ ससंग पैंथर का मैच. ये है क्वार्टर फाइनल 1. तो जो जीतेगा वो सेमीफाइनल पे क्वालिफाई करेगा एंड जो हार जाएगा वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. तो यहाँ पर दोनों कप्तान आ चुका है टॉस करने के लिए, स्टीव स्मिथ एंड कुमार संगकारा. टेल बोला है ससंग पैंथर ने, क्या गिरता है वही देखने के बाद है. मैच जीतना चाहिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए. और यहाँ पर बेंकी किंग्स टॉस जीत चुका है. बेंकी किंग्स टॉस जीतने के बाद क्या लेगा, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग करने का फैसला किया बेंकी किंग्स. स्ट्राइक पर डेविड वार्नर, काकीशोर अपदा का पहला गेंद. यहाँ पर पहला गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद पैड पे लगा, बहुत ही भार था इसीलिए अपील भी नहीं हुआ LBW का. तीसरा गेंद राबादा का, स्ट्राइक पे ब्रेंडन मैककलम एंड यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद लेकिन कीपर ने ट्राई नहीं किया तो पीछे 4 रन चला गया. फ्री पे 4 रन मिल चुका है यहाँ पर बेंकी किंग्स को. भाई बहुत ही खराब विकेट कीपिंग क्विंटन डीकॉक की तरफ से. यहाँ पर अभी तक राबादा ने तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किया. अभी भी 3 गेंद बाकी है पहला ओवर पे. और यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट डेविड वार्नर के बल्ले से, यहाँ पर मिलेगा 4 रन. बहुत ही प्यारा शॉट, टेबल टेनिस वाला शॉट खेला, पॉइंट के सर के ऊपर से उठा दिया, 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर. बहुत ही प्यारा शॉट ब्रेंडन मैककलम की तरफ से. पांचवी गेंद राबादा का और पांचवी गेंद भी शॉर्ट पिच था और गैप ढूंढ बैठा यहाँ पर. बहुत ही प्यारा शॉट ब्रेंडन मैककलम की तरफ से, यहाँ पर बाउंसर था, पुल शॉट लगाया, 4 रन मिलता हुआ ब्रेंडन मैककलम को. बहुत ही बेहतरीन शॉट मैककलम के बल्ले से. तीसरा गेंद ट्रेंट बोल्ट का, स्ट्राइक पे ब्रेंडन मैककलम एंड तीसरा गेंद पे बहुत ही बाहर था वो. हो क्या शॉट खेला ब्रेंडन मैककलम ने यहाँ पर. टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग का शॉट पे उतना पावर नहीं था, सिर्फ दिशा दिखाया, गैप पे शॉट खेलते और बहुत ही बेहतरीन 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर ब्रेंडन मैककलम का. व्हाट ए शॉट ब्रेंडन मैककलम. बोल्ट ने 4 गेंद पे सिर्फ 5 रन दिया है, 2 गेंद बाकी है अभी भी एंड यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद लेकिन 4 मिलता हुआ ब्रेंडन मैककलम को. लाग साथ दिया मैककलम का, एज लगा, आउटसाइड एज, बहुत ही बढ़िया आउटसाइड एज लगा यहाँ पर और 4 रन निकल गया. दूसरा गेंद राबादा का एंड दूसरा गेंद पे व्हाट ए शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट डेविड वार्नर के बल्ले से, यहाँ पर सीधे बल्ले से उठा के शॉट मारा है एंड 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर डेविड वार्नर को. बहुत ही प्यारा शॉट डेविड वार्नर के बल्ले से. तीसरा गेंद राबादा का यहाँ पर एंड तीसरा गेंद पैरों पे गेंद था एंड व्हाट ए शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है राबादा को यहाँ पर डेविड वार्नर ने. शॉट पे थोड़ा सा और भी पावर होता तो छक्का मिल सकता था डेविड वार्नर को लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही रन मिला है डेविड वार्नर को. बहुत ही बेहतरीन शॉट डेविड वार्नर के बल्ले से. बेंकी किंग्स का ऑलरेडी 30 रन हो चुका है. यहाँ पर ससंग पैंथर को विकेट लेना पड़ेगा, देखते हैं ससंग पैंथर विकेट लेता है या नहीं. और यहाँ पर बहुत बेहतरीन गेंद और विकेट भी ले लिया, मैंने बोला विकेट लेना चाहिए. और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया राबादा ने और क्विंटन डीकॉक ने बढ़िया कीपिंग भी किया. डेविड वार्नर यहाँ पर आउट हो गया, अपील नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा यहाँ पर. बहुत ही बेहतरीन गेंद राबादा की तरफ से, यहाँ पर मिल गया डेविड वार्नर का विकेट. अभी बैटिंग करने आ रहा है कप्तान कुमार संगकारा. अभी तक तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है. सो दूसरा गेंद यहाँ पर स्टार्ट का, बहुत बढ़िया शॉट संगकारा के बल्ले से, 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर संगकारा को. बहुत ही बेहतरीन पुल शॉट, शॉर्ट पिच डिलीवरी था, बहुत बढ़िया पिक किया एंड पुल शॉट लगाया, 4 रन मिल चुका है यहाँ पर संगकारा को. दूसरा गेंद कुमार संगकारा को करता हुआ यहाँ पर राशिद खान ने और संगकारा ने बहुत बढ़िया शॉट खेल दिया दूसरा गेंद पे. अभी गेंदबाजी करने आया है रविंद्र जादेजा, स्ट्राइक पे कुमार संगकारा. जादेजा का पहला गेंद, यहाँ पर शॉट बहुत ही बढ़िया मारा है, नीचे फील्डर है लेकिन फील्डर कैच पकड़ के बाउंड्री के बाहर चला गया. तो 6 रन मिलता हुआ यहाँ पर कुमार संगकारा को. और जादेजा का स्वाद क्या है, 6 के साथ संगकारा ने. तीसरा गेंद रविंद्र जादेजा का एंड तीसरा गेंद पे बढ़िया शॉट खेल दिया संगकारा ने एंड संगकारा को यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ. बहुत ही बढ़िया शॉट, शॉट पे उतना पावर नहीं था, सिर्फ टाइमिंग के अच्छे से गेंद को अपने पास आने दिया उसके बाद फील्डर के सर के ऊपर से उठा दिया. बहुत ही बेहतरीन 4 रन यहाँ पर. स्ट्राइक पे आ चुका है ब्रेंडन मैककलम एंड पांचवी गेंद जड्डू का, बहुत बढ़िया फ्लिक शॉट ब्रेंडन मैककलम की तरफ से यहाँ पर लेग साइड पे, 4 रन मिलता हुआ ब्रेंडन मैककलम को. बहुत बढ़िया शॉट, जादेजा का ओवर यहाँ पर महंगा साबित होता हुआ. जादेजा ने 5 गेंद पे ऑलरेडी 15 रन दे चुका है. लास्ट गेंद देखते हैं लास्ट गेंद पे क्या होता है एंड लास्ट गेंद पे बढ़िया शॉट खेला है, ये भी गैप पे आई थिंक निकल जाएगा लेकिन नहीं. यहाँ पर रन आउट का मौका है भाई लेकिन अरे यार अपील भी हुआ है, गलत एंड पे भी थ्रो हुआ है. अगर कीपर एंड के थ्रो होता तो इजीली रन आउट होता. भाई बहुत ही खराब डिसीजन यहाँ पर बैट्समैन के दौरान, बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट और यहाँ पर इजी विकेट मिल चुका है. थर्ड अंपायर ने भी आउट कह दिया
और बहुत ही बेहतरीन थ्रो जो रूट की तरफ से। अभी बैटिंग करने आ रहा है विराट कोहली। अभी गेंदबाजी करने आया है ट्रेंट बोल्ट। स्ट्राइक पे विराट कोहली। ट्रेंट बोल्ट का पहला गेंद यहाँ पर गुड लेंथ पे था, बैकफुट पे जाके बहुत बढ़िया पंच किया विराट कोहली ने। गैप पे है, चार रन मिलता हुआ विराट कोहली को। पहला गेंद पे ही विराट कोहली ने चार लगा दिया ट्रेंट बोल्ट को। दो गेंद बाकी है इस ओवर में। स्ट्राइक पे मैकलम। देखते हैं दो गेंद पे क्या करता है मैकलम। यहाँ पर मैकलम ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश भी किया और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अपने टीम के लिए। चार रन तो इजिली बचा लिया क्योंकि दो ही रन मिला। ये तो अगर पकड़ नहीं तो छह जाता। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। लास्ट गेंद ट्रेंट बोल्ट का। लास्ट गेंद पे बढ़िया शॉट लगाया, ये तो बाउंड्री इजिली क्रॉस करेगा और यहाँ पर छह रन मिलता हुआ ब्रेंडन मैकलम को। बहुत प्यारा शॉट। रविंद्र जडेजा उनका दूसरा ओवर लेकर आया है। स्ट्राइक पे विराट कोहली। जड्डू का पहला गेंद यहाँ पर। जड्डू का स्वागत किया विराट कोहली ने छक्के के साथ और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सिक्स विराट कोहली के बल्ले से। जडेजा का पांचवी गेंद। स्ट्राइक पे कोहली। शॉट लेना चाहिए एंड ले भी लिया और मिलेगा कितना रन? चौका। चौका मिलता हुआ बाउंड्री से थोड़ा पहले बाउंस खा गया तो यहाँ पर चार रन मिलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन शॉट विराट कोहली के बल्ले से। दूसरा गेंद राशिद खान का। स्ट्राइक पे मैकलम एंड बहुत बढ़िया शॉट। पैरों पे गेंद था एंड यहाँ पर छक्का मिल चुका है ब्रेंडन मैकलम को। बहुत गलत लाइन पे गेंदबाजी किया राशिद खान ने, इसीलिए फॉल तो भुगतना नहीं पड़ेगा। तीसरा गेंद राशिद खान का एंड यहाँ पर तीसरा गेंद पे बढ़िया शॉट खेला आउट साइड पे। यहाँ पर मिलेगा वन बाउंस चौका। भाई मैकलम बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है एंड बहुत ही बढ़िया बैटिंग भी कर रहा है इस टाइम पे। मैकलम यहाँ पर 41 पे बैटिंग कर रहा है एंड यहाँ पर व्हाट ए शॉट भाई, क्या फ्लिक शॉट खेला है। फुल लेंथ डिलीवरी था लेकिन लेग साइड पे क्या फ्लिक शॉट खेला मैकलम ने। और इसी के साथ मैकलम यहाँ पर 45 रन पे भी पहुंच चुका है। शशांक पंत तो पहले बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा था लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया मुझे भी पता नहीं। अभी भी दो गेंद बाकी है राशिद खान का एंड यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट। ओ भाई और एक चौका ऐड कर लो यहाँ पर मैकलम के खाते में। 49 पे पहुंच चुका है ब्रेंडन मैकलम इस टाइम पे। क्या बैटिंग कर रहा है मैकलम। इस ओवर का लास्ट गेंद डॉट देना चाहिए मेरा हिसाब से लेकिन यहाँ पर डॉट दिया नहीं, एक रन मिलता हुआ। और इसी के साथ ब्रेंडन मैकलम का 50 रन भी कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट ओवर पे उनके पास स्ट्राइक रखेगा ब्रेंडन मैकलम। बहुत बढ़िया प्रदर्शन ब्रेंडन मैकलम की तरफ से। लास्ट ओवर लेकर आया है मिचेल स्टार्क एंड स्ट्राइक पे ब्रेंडन मैकलम। पहला गेंद मिचेल स्टार्क का बढ़िया गेंद। तो हो एंगल बनाने की कोशिश। दूसरा गेंद मिचेल स्टार्क का। स्ट्राइक पे मैकलम एंड दूसरा गेंद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट। फुल लेंथ डिलीवरी था मैकलम को। क्या फर्क पड़ता है जब मैकलम सेट हो जाता है ना तो कितना भी बड़ा बॉलर आ जाए वो तो धो डालेगा। और यहाँ पर क्या शॉट खेला है बहुत बढ़िया। और इसके साथ 50 रन का पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से 120 रन बनाना चाहिए बेंकी किंग्स को। तीसरा गेंद मिचेल स्टार्क का एंड तीसरा गेंद पे भी बढ़िया शॉट खेला है। उधर फील्डर नहीं है लॉन्ग ऑफ पे कोई भी, सो इजीली चार रन मिलता हुआ। इसी के साथ 115 रन पे पहुंच चुका है ऑलरेडी बेंकी किंग्स। तो भाई बेंकी किंग शुरुआत बहुत ही धीरे किया था लेकिन लाख खत्म जो किया ना बहुत ही तेजी से किया। चौथी गेंद मिचेल स्टार का। यहाँ पर डॉट देना चाहिए, गुड लेंथ पे बॉलिंग करना चाहिए। अरे यार फुल लेंथ पे बॉलिंग क्यों कर रहा है मिचेल स्टार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फुल लेंथ पे बॉलिंग करोगे तो ब्रेंडन मैकलम तुम्हें ऐसे ही मारेगा। भाई गुड लेंथ पे बॉलिंग करो, लेंथ बॉलिंग करो, क्यों कर रहे हो भाई ऐसे गेंदबाजी। तीन गेंद पे बैक टू बैक चौका मिल चुका है यहाँ पर। सो पांचवी गेंद देखते हैं। पांचवी गेंद पे यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट, मतलब चार गेंद पे चार लगातार चौका मार दिया है ब्रेंडन मैकलम ने मिचेल स्टार को। भाई फुल लेंथ डिलीवरी क्यों कर रहा है मिचेल स्टार, थोड़ा सा लाइन लेंथ पे बदलाव कर, गुड लेंथ पे बॉलिंग कर, फुल लेंथ बॉलिंग कर रहा है तो भाई क्या मैं बताऊंगा। यहाँ पर ब्रेंडन मैकलम ऐसे ही शॉट करेगा अगर फुल लेंथ डिलीवरी तुम लोग करोगे तो। लास्ट गेंद इस इनिंग्स का एंड यहाँ पर लास्ट गेंद पे भी बढ़िया शॉट खेला लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइमिंग कर बैठा ब्रेंडन मैकलम ने। सो सिर्फ एक ही रन मिलता हुआ इसके साथ। तो बेंकी किंग्स ने यहाँ पर 124 रन बनाया। तो शशांक पंत को इस वाले मैच जीतने के लिए 125 रन चाहिए और ब्रेंडन मैकलम ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया। सो देखते हैं यहाँ पर शशांक पंत इस वाले मैच को जीत पाता है या नहीं। यहाँ पर शशांक पंत की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है क्विंटन डीकॉक एंड रोहित शर्मा और बॉलिंग करेगा काकिशोर रबादा। पहला गेंद काकिशोर रबादा का। स्ट्राइक पे रोहित शर्मा एंड पहला गेंद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। इन स्विंग हुआ थोड़ा बहुत तो भाई मैच देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तीसरा गेंद रबादा का। स्ट्राइक पर रोहित शर्मा। यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट खेल दिया रोहित शर्मा ने। यॉर्कर कराने की कोशिश किया था रबादा ने और यहाँ पर सीधे बल्ले से रोहित शर्मा ने यहाँ पर शॉट खेला और चार रन मिलता हुआ रोहित शर्मा को। रबादा ने पांच गेंद पे सिर्फ छह ही रन दिया है। तो लास्ट गेंद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं लास्ट गेंद पे क्या होता है यहाँ पर। एंड लास्ट गेंद पे यॉर्कर कराने की कोशिश किया था रोहित शर्मा ने, छक्का मार दिया। इस इनिंग्स का पहला छक्का
रोहित शर्मा के बल्ले से आता हुआ, बहुत ही बढ़िया सिक्स यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से। भाई रोहित शर्मा आज मारने वाला है। यहाँ पर दूसरा बल्ले कर आया है जोफ्रा आर्चर, स्ट्राइक पे क्विंटन डीकॉक, यहाँ पर एज लगा क्विंटन डीकॉक का, लेकिन गैप पे निकल गया तो डीकॉक का लाख साथ दिया, इसीलिए चार रन मिल चुका है क्विंटन डीकॉक को। बहुत ही बेहतरीन पहला गेंद पे ही ऑलरेडी चार रन आ चुका है। सो दूसरा गेंद जोफ्रा आर्चर की तरफ से यॉर्कर कराने की कोशिश किया था, यहाँ पर क्विंटन डीकॉक ने बहुत ही सही से शॉट खेला, चार रन मिलता हुआ क्विंटन डीकॉक को। बहुत ही बढ़िया बैटिंग क्विंटन डीकॉक की तरफ से। दूसरा गेंद रबादा का, स्ट्राइक पर रोहित शर्मा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बढ़िया शॉट और यहाँ पर मिलेगा चार रन। भाई रोहित शर्मा भाई आज तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। ओ भाई क्या बैटिंग कर रहा है रोहित शर्मा, मजा आ गया। अगर रोहित शर्मा लास्ट तक खड़ा रहा ना, इजिली मैच जीत जाएगा शशांक पैंथर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तक तो शशांक पैंथर को स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया मिला है और यहाँ पर भी चार रन मिलेगा। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया पुल शॉट भी खेलता है। सो रोहित शर्मा को बाउंसर करने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। दो गेंद बाकी है अभी भी इस ओवर में। पांचवी गेंद रबादा का, भाई फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी, पहले वाले गेंद पे ही तो चौका मारा था रोहित शर्मा, फिर से इस वाली गेंद पे क्यों शॉर्ट पिच करा, और यहाँ पर दो बैक टू बैक चौका मिलता हुआ रोहित शर्मा को। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग रोहित शर्मा की तरफ से। जोफ्रा आर्चर उनका दूसरा ओवर कंटिन्यू कर रहा है और स्ट्राइक पर रोहित शर्मा, पहला गेंद जोफ्रा आर्चर का, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेला रोहित शर्मा ने, लेकिन गैप पे शॉट खेल दिया, इसीलिए चार रन मिलता हुआ रोहित शर्मा को। बहुत ही बेहतरीन शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से, सिर्फ क्लास दिखाया रोहित शर्मा ने यहाँ पर। अगर यहाँ से बेंकी किंग्स को मैच जीतना है तो जल्दी से जल्दी विकेट लेना पड़ेगा, जितना हो सके उतना विकेट लेना पड़ेगा। एंड चौथी गेंद बढ़िया शॉट खेला पॉइंट के ऊपर से, चार रन मिलता हुआ रोहित शर्मा को। और यहाँ पर रोहित शर्मा का विकेट लेना तो ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा का विकेट नहीं तुम ले पाते हो तो मैच तुम जीत नहीं पाओगे। तो बेंकी किंग्स को अगर मैच जीतना है तो जल्दी से जल्दी रोहित शर्मा का विकेट लेना पड़ेगा। तीसरा गेंद राशिद खान का, स्ट्राइक पे क्विंटन डीकॉक, बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर, विद द स्पिन खेला, पीछे खेला, फाइनल पर कोई भी फील्डर नहीं था, इसीलिए फाइनल की दिशा में ही खेला क्विंटन डीकॉक ने और चार रन मिलता हुआ क्विंटन डीकॉक को। बहुत ही बेहतरीन शॉट। चौथी गेंद राशिद खान का एंड यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट, ये जाएगा छक्का बाउंड्री के बाहर। ओ भाई क्या बैटिंग कर रहा है शशांक पैंथर का बैट्समैन लोग, 99 मीटर लंबा छक्का यहाँ पर मार दिया क्विंटन डीकॉक ने। अगर यहाँ से बेंकी किंग्स को मैच जीतना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विकेट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट खेल दिया क्विंटन डीकॉक ने, चार रन मिलता हुआ क्विंटन डीकॉक को। बहुत ही बेहतरीन शॉट डीकॉक के बल्ले से। चौथी गेंद एडम जैम्पा का एंड यहाँ पर बढ़िया शॉट खेला क्विंटन डीकॉक ने, नीचे फील्डर है लेकिन फील्डर, अरे यार फील्डर को बीट नहीं कर पाया क्विंटन डीकॉक, एंड यहाँ पर पहला विकेट मिलता हुआ एडम जैम्पा को। बहुत ही बेहतरीन गेंद था, शॉट बहुत ही खराब था क्विंटन डीकॉक की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विकेट मिल चुका है। अभी बैटिंग करने आ रहा है स्टीव स्मिथ। एडम जैम्पा ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया अभी तक, तो पांच गेंद पे पांच रन देकर एक विकेट ले लिया, एंड लास्ट गेंद जैम्पा का यहाँ पर और विकेट ले लिया वो भी रोहित शर्मा का। ओ भाई यहाँ पर क्या हो गया, इस ओवर में एडम जैम्पा ने दो ओपनर को बैक कर दिया पवेलियन पे, वो भी रोहित शर्मा को आउट करा, जो बहुत खतरनाक लग रहा था यहाँ पर। ओ भाई क्या गेंद था। अभी बैटिंग करने आ रहा है जो रूट। चौथी गेंद ब्रेंडन मैकलम की तरफ से एंड बढ़िया शॉट, यहाँ पर चार रन मिलता हुआ फील्डर को बीट करा एंड चार रन मिलता हुआ। ब्रेंडन मैकलम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया, चार गेंद पे सिर्फ चार ही रन दिया है। एंड पांचवी गेंद, ओ हो स्टीव स्मिथ ने क्या शॉट खेल दिया, फुल लेंथ डिलीवरी करोगे तो ऐसे ही शॉट मारेगा, और यहाँ पर और एक चार रन मिलता हुआ स्टीव स्मिथ को। दो गेंद पे दो बैक टू बैक चौका लगा दिया स्टीव स्मिथ ने। लास्ट गेंद यहाँ पर ब्रेंडन मैकलम की तरफ से एंड बहुत बढ़िया शॉट मिलेगा चार रन। भाई तीन गेंद पे तीन बैक टू बैक चौका आया है, स्टीव स्मिथ बहुत ही मरता है मुझे पता है। अभी गेंदबाजी करने आया है एडम जैम्पा, जो एक ओवर पे सिर्फ पांच रन देकर दो विकेट ले लिया। स्ट्राइक पे है जो रूट एंड जो रूट ने स्वागत किया है यहाँ पर एडम जैम्पा का चौके के साथ, बहुत ही बेहतरीन शॉट जो रूट के वाले से। 16 गेंद पे 45 रन चाहिए स्ट्राइक पे स्टीव स्मिथ। तीसरा गेंद एडम जैम्पा का, यहाँ पर बढ़िया शॉट खेला स्टीव स्मिथ ने, चार रन मिलता हुआ स्मिथ को। बहुत ही बेहतरीन शॉट स्टीव स्मिथ के बल्ले से। भाई मैच भाई बहुत इंटेंस हो चुका है और मैच पे कुछ भी हो सकता है। चौथी गेंद एडम जैम्पा का यहाँ पर एंड चौथी गेंद पे भी बढ़िया शॉट खेला, यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से उठा के शॉट मारा, बैकफुट पे गया अपने के लिए जगह बनाया एंड शॉट खेल दिया स्टीव स्मिथ ने। भाई बहुत मरता है स्टीव स्मिथ मुझे पता है। मैच जीतने के लिए दो ओवर पे 35 रन चाहिए और गेंदबाजी करने आया है राशिद खान। स्ट्राइक पे जो रूट, यहाँ पर पहला गेंद पे मिलेगा चार रन। बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट से घुमा दिया लेग साइड पे जो रूट ने और चार रन। बहुत ही प्यार
प्यारा 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर। पहला गेंद पे ऑलरेडी 4 रन आ चुका है। दूसरा गेंद राशिद खान का बढ़िया शॉट यहाँ पर भी लगा दिया रूट ने और यहाँ पर भी मिलेगा 4 रन। भाई रूट इज ओपी इन द चैट राइट नाउ। 10 गेंद पे 27 रन चाहिए। तीसरा गेंद राशिद खान का बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर। ओ भाई क्या शॉट खेला जो रूट ने और एक 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर जो रूट को। 3 गेंद पे 3 बैक टू बैक चौका आया है जो रूट के बल्ले से। 3 गेंद बाकी है तो 3 गेंद पे क्या होता है वही देखने के बाद है। यहाँ पर स्कूप शॉट लेकिन मिस कर दिया और कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया। जो रूट का विकेट यहाँ पर गिर गया। बहुत ही बेहतरीन गेंद राशिद खान की तरफ से। गेंद से भी ज्यादा बेहतर था विकेट कीपिंग क्योंकि बहुत बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पर संगाकारा ने। स्कूप शॉट खेलने की कोशिश किया था बैट पे लगने के बाद हेलमेट पे लगा और गेंद गया नहीं और संगाकारा ने कोई भी गलती नहीं किया यहाँ पर। अभी बैटिंग करने आ रहा है मोहम्मद नबी। स्ट्राइक पे है मोहम्मद नबी। इस ओवर में अभी भी 2 गेंद बाकी है। देखते हैं यहाँ पर बढ़िया शॉट खेला मोहम्मद नबी ने लेकिन यहाँ पर आउट होने की पूरा चांस और झैम्पा ने कोई भी गलती नहीं किया विकेट ले लिया। 2 गेंद पे 2 बैक टू बैक यहाँ पर विकेट मिल चुका है राशिद खान को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राशिद खान की तरफ से एंड मोहम्मद नबी गोल्डन डाक बना के इस टाइम पे आउट हो गया। अभी बैटिंग करने आ रहा है इमाद वासीम। इस ओवर का लास्ट गेंद स्ट्राइक पे स्टीव स्मिथ। यहाँ पर हैट्रिक का मौका है राशिद खान के पास लेकिन हैट्रिक तो नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने चौका मार दिया लास्ट गेंद पे बहुत ही बेहतरीन। 1 ओवर पे 19 रन चाहिए। स्ट्राइक पे इमाद वासीम एंड गेंदबाजी करने आया है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स का पहला गेंद यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद डॉट बहुत ही बढ़िया भाई। इमाद वासीम को यहाँ पर हिटिंग करना पड़ेगा। दूसरा गेंद बेन स्टोक्स की तरफ से एंड यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद। बेन स्टोक्स ने 2 गेंद बहुत ही बेहतरीन किया है और तीसरा गेंद बेन स्टोक्स का इमाद वासीम भाई हिटिंग कर ले और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट हुआ इमाद वासीम की तरफ से। 4 रन मिलता हुआ इमाद वासीम को यहाँ पर बहुत ही प्यारा शॉट और प्यारा पुल शॉट यहाँ पर। 3 गेंद पे 15 रन चाहिए। देखते हैं यहाँ पर कर पाता है या नहीं। सो 4th गेंद बेन स्टोक्स की तरफ से यहाँ पर भी पुल शॉट लगा दिया और यहाँ पर भी मिलेगा 4 रन। बहुत ही बढ़िया 4 रन मिलता हुआ इमाद वासीम को यहाँ पर। 1 गेंद पे 11 रन चाहिए। देखते हैं लास्ट गेंद यहाँ पर लास्ट गेंद पे भी मिस कर दिया और यहाँ पर इस मैच को इजीली बेंकी किंग्स ने जीत लिया। भाई क्या हो गया भाई इंटरेस्टिंग मैच था और बेंकी किंग्स ने इस मैच को 10 रन से अपने नियम किया। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस बेंकी किंग्स की तरफ से। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है ब्रेंडन मैकलम एंड बेंकी किंग्स ने मैच को 10 रन से अपने नाम किया। मैकलम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया भाई। शशांक पैंथर जैसे स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट भाई मुझे तो लग रहा था शशांक पैंथर इजिली मैच जीत जाएगा। रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा था लेकिन रोहित शर्मा का विकेट गिर गया ना और एडम शंपा का जो वो ओवर था 1 ओवर पे 2 विकेट ले लिया उस ओवर से पूरा मैच ही पलट गया। एंड राशिद खान ने भाई 9th ओवर पे बहुत ही मस्त गेंदबाजी किया 2 विकेट लगातार ले लिया उस टाइम पे पूरा मैच ही पलट गया एंड यहाँ पर शशांक पैंथर मैच हार गया। तो यहाँ पर बेंकी किंग्स वर्सेस शशांक पैंथर का मैच हो गया एंड शशांक पैंथर हार गया क्वार्टर फाइनल पे। सो शशांक पैंथर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया एंड बेंकी किंग्स सेमीफाइनल पे क्वालिफाई कर चुका है। एंड सेकेंड क्वार्टर फाइनल जो होने वाला है वो टीम इंडिया के साथ रॉयल चैलेंजर सुपर किंग्स का होने वाला है। जो जीतेगा उसके साथ बेंकी किंग्स का सेमीफाइनल होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तब भी लाइक कर देना ठीक है। और मेरा चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल को इसी प्यार और सपोर्ट देते रहिए। सो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।